अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एमयू फाउंडेशन स्कूल। दिस इज योर फिजिक्स एंड कंप्यूटर स्टडीज चिल्ड्रन इन द डिजिटल एज फॉर क्लास वन। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट फोर कीबोर्ड रीड करेंगे। कीबोर्ड्स अलाउ यू टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इन टू अ कंप्यूटर दैट ऑफन फंक्शन एज कमांड्स। कीबोर्ड आपको कंप्यूटर में हरूफ, अदाद और दीगर अलामतें दाखिल करने की इजाज़त देता है, जो अक्सर कमांड के तौर पर काम करता है। प्यारे बच्चों, ये कीबोर्ड है जिसमें फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेट कीज, एरो कीज, बैकस्पेस कीज, शिफ्ट की, एंटर की, बैकस्पेस की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्टरनेट की मौजूद होती हैं। आज हम 7 कीज के बारे में रीड करेंगे। कंट्रोल की, अल्टरनेट की, स्पेस बार, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, इंटर की, एरो कीज, एंटर की। प्रेस द एंटर की टू रिटर्न अ कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। प्यारे बच्चों, आपको सामने एंटर की नजर आ रही है। अगली लाइन में कर्सर वापस करने के लिए एंटर की दबाते हैं, यानी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए पहले एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में वापस आ जाएगा। नंबर 2, एरो कीज। प्यारे बच्चों, आपको सामने 4 एरो कीज नजर आ रही हैं। यू कैन मूव द कर्सर और पॉइंटर ऑन द मोनिटर्स स्क्रीन विद दीज एरो कीज। आप इन तीर वाले बटनों के जरिए मोनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर मुंतकिल कर सकते हैं। शिफ्ट की। यू कैन टाइप द कैपिटल लेटर्स विद शिफ्ट की। आप शिफ्ट की के साथ बड़े हरूफ को टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस की। यू कैन यूज द बैक स्पेस की टू डिलीट एनी करेक्टर। आप किसी भी करेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल की। यू कैन यूज द कंट्रोल की इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप किसी खास काम को अंजाम देने के लिए किसी और की के साथ मिलकर कंट्रोल की को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेट की। यू कैन यूज द अल्टरनेट की इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू एक्सक्यूट अ कमांड। आप कमांड पर अमल दरामद करने के लिए अल्टरनेट की को किसी और की के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस बार। यू कैन यूज द स्पेस बार टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द लेटर्स। आप हर्फों यानी लेटर्स के दरमियान खाली जगह रखने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 में आप करेंगे टिक द करेक्ट नेम ऑफ गिवन कीज। दी गई कीज के सही नाम पर आपने निशान लगाना है। आपको 4 कीज दी गई हैं। आपने इनके सही नाम के सामने बॉक्स में टिक करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, सर्कल द एंटर की एंड बैक स्पेस की। आपको यहाँ 5 कीज दी गई हैं। आपने बैक स्पेस की और एंटर की पर सर्कल बनाना है। एक्सरसाइज 3, सर्कल द शेप दैट इज सेम एज द एंटर की। जो शेप एंटर की तरह है उस पर आपने दायरा लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 4, कलर द कीज विद द गिवन 4 कलर्स। दिए गए 4 रंगों के साथ आपको कीज में कलर करना है। एमई फाउंडेशन स्कूल सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट 18 फॉर क्लास 1 कंप्यूटर टास्क 1 रीड पेज नंबर 15 यूनिट नंबर 4 कीबोर्ड कंप्लीट एक्सरसाइज 1 इन बुक पेज नंबर 17 टास्क 2 रीड हाफ पेज नंबर 16 यूनिट नंबर 4 कीबोर्ड कंप्लीट एक्सरसाइज 2 इन बुक पेज नंबर 17 टास्क 3 रीड नेक्स्ट हाफ पेज नंबर 16 यूनिट नंबर 4 कीबोर्ड
Complete exercise 3 in book page number 18. Task 4. Complete exercise 4 in book page number 18. Task number 1. Read page number 15, unit number 4, keyboard. प्यारे बच्चों, हम page number 15 read कर चुके हैं, translation भी कर चुके हैं. Complete exercise 1 in book page number 17. हम page number 17 पर exercise number 1 complete करेंगे. Exercise number 1, tick the correct name of given keys. हमें दी गई keys के सही नाम पर निशान लगाना है. हमें यहाँ 4 keys दी गई हैं. सबसे पहले हम रीड करते हैं एंटर की, एरो कीज, बैक स्पेस. आंसर इज एरो कीज. एरो कीज के सामने बॉक्स में हम टिक करेंगे. सेकंड, उसके सामने एंटर की, बैक स्पेस, शिफ्ट की. आंसर इज एंटर की. हम एंटर की के सामने बॉक्स में टिक करेंगे. थर्ड, बैक स्पेस, एरो कीज, एंटर की. आंसर इज बैक स्पेस. हम बैक स्पेस के सामने बॉक्स में टिक करेंगे. फोर, बैक स्पेस, शिफ्ट की, एरो कीज. आंसर इज शिफ्ट की. हम शिफ्ट की के बॉक्स में टिक करेंगे. टास्क नंबर 2, रीड हाफ पेज नंबर 16, यूनिट नंबर 4, कीबोर्ड. प्यारे बच्चों, हम हाफ पेज नंबर 16 रीड कर चुके हैं. कंप्लीट एक्सरसाइज 2 इन बुक पेज नंबर 17. हम पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 2, सर्कल द एंटर की एंड बैक स्पेस की. हमें दी गई 5 कीज में से बैक स्पेस की और एंटर की पर सर्कल बनाना है. प्यारे बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस तरह अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. टास्क नंबर 3, रीड नेक्स्ट हाफ पेज नंबर 16, यूनिट नंबर 4, कीबोर्ड. प्यारे बच्चों, हम रीड कर चुके हैं पेज नंबर 16 ट्रांसलेशन के साथ. कंप्लीट एक्सरसाइज 3 इन बुक पेज नंबर 18. अब हम पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे. सर्कल द शेप दैट इज सेम एज द एंटर की. जो शेप एंटर की तरह है, इस पर दायरा लगाएं. प्यारे बच्चों, आपको सेकंड शेप नजर आ रही है जिस पर सर्कल बना हुआ है. ये शेप एंटर की तरह है. इस पर सर्कल बनाकर हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. टास्क नंबर 4, कंप्लीट एक्सरसाइज 4 इन बुक पेज नंबर 18. टास्क नंबर 4, कलर द कीज विद द गिवन 4 कलर्स. प्यारे बच्चों, आपको दिए गए इन 4 कलर्स से दी गई 4 कीज में कलर करने हैं. आप इस तरह कलर करके एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट करेंगे. www.esylearning.pk हमारी वेबसाइट है. आप यूट्यूब के अलावा हमारी इस वेबसाइट से प्रीवियस होमवर्क असाइनमेंट की वीडियोस देख सकते हैं. प्यारे बच्चों, अब तक का जितना काम मैंने आपको बुक वर्क का समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.